आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी से रिलेटेड शॉर्ट एमसीक्यू के बारे में, जो कि एआईबीई के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब पीवाईक्यू हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो फिर आपके एग्ज़ाम में दोहराए जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस एलएलबी, बीएलएलबी, एआईबीई, जुडिशरी एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चैनल पर आप नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित कथन का प्रयोग विचारण के दौरान किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, साक्षी का खंडन करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट निम्न में से किससे अनधिक अवधि के लिए, अभ्यस्ता अपराधियों से संव्यवहार को बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, 3 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 प्रावधान करती है कि अभिरक्षा की प्रकृति न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में और विपर्ययन परिवर्तित की जा सकती है, यही परिवर्तन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, यही परिवर्तन 15 दिनों की अवधि के दौरान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किन प्रावधानों के अधीन पुलिस अधिकारी के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना देना आज्ञापक है, यदि अपराध अजमानती नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, धारा 50। क्वेश्चन नंबर 5, धारा 41 खा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निम्न विनिश्चयों में से किसके आधार पर अंतः स्थापित की गई है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, डी के बासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6, सिविल सर्जन विकृत चित्त व्यक्ति को रोग विषयन मनोवैज्ञानिक मनः चिकित्सक को निर्दिष्ट करेगा, तथापि किस धारा के परिणाम स्वरूप व्यथित अभियुक्त मनः चिकित्सा एकक के प्रमुख और चिकित्सा महाविद्यालय के संकाय को शामिल करने वाले चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 328(1) का दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। 7वां क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के अधीन दाखिल आरोप पत्र निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, लोक दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 8, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दांडिक मामले के अन्वेषण की प्रक्रिया अंतर्विष्ट है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अध्याय 12 में। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर आप नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।